गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरीफाई। कल भी हमने वेरीफाई किया था, आज भी हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में क्या किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया जाता है राइट हैंड साइड के। देखो, सबसे पहले आप दो डिजिट को दो फैक्टर्स भी कह सकते हैं, इनको दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से। तो देखो, 1 1 जब 1 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 1 1 जब 1 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। तो अब इनको प्लस करो, 1 0 में 1 प्लस करोगे 1 और ये 0। देखो, 1 डिजिट और 2 डिजिट, मतलब दो प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दोगे। अब 0.11 को मल्टीप्लाई करो 1.01 से, ठीक है। आप देखो, 1 1 जब 1, 1 1 जब 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। यहाँ क्रॉस, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ भी 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट में अब करते हैं हम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। अब इनको ऐड कर दो, 1 1 1 1 और 0, ठीक है। देखो, यहाँ 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल है। देखा जाए तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लेस के बाद डेसिमल हो गया, 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद क्या आ गया, डेसिमल। अब देखो, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। 0.11 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जब 1, 1 1 जब 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है। अब डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस के बाद हो गया। अब नेक्स्ट वन क्या करोगे, 1.01 को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जब 1, 1 1 जब 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 1 जब 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। अब थर्ड में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। इनको ऐड करो, 1 1 1 1 और 0। देखो, यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो देखा जाए तो 4 प्लेस, 4 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद डेसिमल। अब आप देखो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपका वेरीफाई हो गया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। ये हमने 7.4 के बिगनिंग क्वेश्चंस में भी किया था। 4.29 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 4 9 36, यहाँ 6, यहाँ पे 3 क्या चला जाएगा, कैरी। 4 2 8, 8 में 3 प्लस करोगे तो आएगा 11, 1 यहाँ पे और 1 कैरी। 4 4 16, 16 और 1 17, तो अब ऐड करो, 0 6 1 7 1, ये क्या है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस के बाद यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा एंड में, तो यहाँ सब जगह क्या लग जाएगा, डेसिमल। ऐसे ही नेक्स्ट वन, 0.45 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 0 को 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 ही आएगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन, 3 5 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी और 1 एज इट इज़, ठीक है। प्लस करो, 0 5 3 1, तो क्या आया यहाँ पे, 13 1350। अब डेसिमल्स लगाने, आपको देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे भी 2 प्लेसेस के बाद क्या लगा दो, डेसिमल, तो क्या हो जाएगा, 13.50। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 इज कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट इज, 1 किलोग्राम वीट की कॉस्ट क्या है, 75.89। वट विल द प्राइस ऑफ 24 किलोग्राम वीट, 24 किलोग्राम वीट का प्राइस क्या होगा। देखो, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, जब हमें 1 की कॉस्ट दे रखी हो किसी चीज़ की, 1 किलोग्राम की या 1 लीटर की कॉस्ट दे रखी हो, और हमें मोर देन 1 की फाइंड आउट करनी हो। देखो, यहाँ पे 24 किलोग्राम बोला है, तो मोर देन 1 है, ये 1 से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट इज 75.89। तो हम फाइंड आउट करेंगे द कॉस्ट ऑफ 24 किलोग्राम वीट,
हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 24 किलोग्राम वीट इज 75.89 को 24 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 4 9 36 यहाँ 3 कैरी, 4 8 32 32 में 3 प्लस करो 35 यहाँ पे 3 यहाँ, 4 5 20 20 और 3 23 3 यहाँ पे 2 कैरी, 7 4 28 28 और 2 30 यहाँ मल्टीप्लाई, 2 9 18 8 यहाँ 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11 1 यहाँ 5 2 10 10 और 1 11 1 यहाँ और यहाँ 1 कैरी, 7 2 14 और 1 कैरी ऐड करो 15 प्लस करो इसको 6 8 और 5 होता है 13 यहाँ कैरी चला जाएगा 1 7 और 6 10 और 1 11 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 5 और 3 8 और 1 एज इट इज़। अब देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो यहाँ भी 2 प्लेसेस के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, तो कॉस्ट ऑफ 24 किलोग्राम वीट हो जाएगा 1821 डेसिमल 36। ठीक है, ये कंसेप्ट माइंड में रखना जब हमें मोर देन वन के लिए कुछ फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन बेस्ट होता है, हम मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 इज द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट है 0.45, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ अ डजन टेबल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 dozen = 12, एक डजन में 12 होती है, अगर हम कुछ भी एक डजन लेते हैं तो उसमें 12 आते हैं, वो नंबर ऑफ जो भी हम थिंग लेते हैं। तो उसने बोला है कॉस्ट ऑफ वन टेबलेट है 0.45, तो हमें कितने की निकालनी है, डजन्स की निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ टैबलेट इज वन की है 0.45 और हमें 1 dozen की मतलब 1 dozen = 12, 12 के निकालने, 0.45 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 मोर देन 1 है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 0.45 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 0 यहाँ 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, 2 को 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब देखो 1 5 5 1 4 4 और 1 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0। अब इनको ऐड करो 0 9 और 5 होता है 14, 9 में 5 प्लस करोगे तो 14 आएगा यहाँ पे 1 कैरी, 4 और 1 5 0 एज इट इज़। तो देखा जाए जो कॉस्ट आई है वो 5.40 आई है, क्या आई है 5.40, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो क्या है 5.40। इसी तरह से सम आपको अपनी रफ नोटबुक में रिवाइज भी करने हैं। Thank you. Have a nice day.